हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। सो गाइस, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर टेस्ट लाइट का सॉल्यूशन। आपको एक टेस्ट पेपर दिया गया होगा जिसमें 25 क्वेश्चंस हैं। मार्किंग स्कीम है कि आपने अगर करेक्ट किया है तो +3, रॉन्ग किया है तो -1, और नहीं अटेम्प्ट किया है तो 0। तो आई होप आपने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, पूरे लेक्चर्स देख लिए हैं, उसकी जो NCERT है या आपकी स्टेट बोर्ड वाली बुक है आपने वो सॉल्व किया होगा, आपको जो DPPs दी गई हैं वो सॉल्व किया होगा, एंड आपने चैप्टर टेस्ट भी किया होगा। सो आई होप आपने ऑल दी क्वेश्चंस ट्राई कर चुके हैं, एंड नाउ वी कैन सी दी सॉल्यूशंस। सो पहले बिल्कुल अपना एफर्ट देंगे, एक घंटे का टाइम लेकर के अटेम्प्ट दी क्वेश्चंस इन टाइम, उसके बाद आप उसको इवेल्युएट करो और फिर उसके बाद आप सॉल्यूशन देखो, ठीक है? तो ही फायदा है इस चीज का। सेल्फ इवेल्युएशन वाला टेस्ट है, अभी इसमें हम लोग इवेल्युएट नहीं कर रहे हैं, आगे जो आपके टेस्ट होंगे क्यूमुलेटिव उसमें हम लोग आपके मार्क्स चेक करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 1, Which type of mirror produces an image that is always erect, always the same height as the object and always virtual? ठीक है, हमेशा जैसा ऑब्जेक्ट है वैसी ही इमेज बने, सेम साइज सेम हाइट इरेक्ट, जैसा ऑब्जेक्ट अगर ऐसा है तो ऐसी इमेज बनेगी, ऑब्जेक्ट अगर ऐसा है तो ऐसी ही बनेगी। इरेक्ट का मतलब ये नहीं होता कि सीधी बनेगी, इरेक्ट का मतलब जैसा ऑब्जेक्ट है वैसी इमेज बनेगी। हम इसको सीधा बोलते हैं, इसको उल्टा बोलते हैं, तो ऑब्जेक्ट को ऐसा रख देंगे तो इमेज ऐसा तो नहीं बन जाएगी ना, जैसा ऑब्जेक्ट रखा है वैसे ही इमेज बनेगी, इरेक्ट वही कहलाता है। इरेक्ट मतलब सेम एज दी ऑब्जेक्ट, जो उसका अप डाउन मोशन जो है वो, या अप डाउन उसका जो कॉन्फिगरेशन है वो जैसा ऑब्जेक्ट है वैसा ही है उसका। तो ऑलवेज इरेक्ट, ऑलवेज सेम हाइट एज दी ऑब्जेक्ट, एंड ऑलवेज वर्चुअल, वर्चुअल भी। तो ये कब होता है? प्लेन मिरर में होता है, मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में ही बताया था, क्योंकि जो रियल इमेज है वो हमें स्क्रीन पे मिलती है और जो वर्चुअल इमेज है वो हमें मिरर के अंदर दिखती है, ठीक है? तो ये जो प्लेन मिरर है वो हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है। सेकंड क्वेश्चन, तो हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है सी। सेकंड क्वेश्चन, वन डायोप्टर। तो वन डायोप्टर क्या है? वन डायोप्टर इज द यूनिट ऑफ पावर, और पावर हमने क्या लिखा था? पावर वॉज 1/ फोकल लेंथ, ये होता है मीटर में। सो ये कितना बन जाएगा? मीटर इनवर्स। सो फर्स्ट 1 मीटर इनवर्स, वन डायोप्टर मतलब 1 मीटर इनवर्स। सो सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। When sun rays are focused with a convex lens, a sharp bright spot is observed at its focus. इसका ऑप्शन बी इज करेक्ट। थर्ड क्वेश्चन, एक जगह कॉन्वेक्स लेंस से सन की जो रेज है वो यहाँ पे आई और एक जगह पे आकर के फोकस हो जाती है, ठीक है? When sun rays are focused with a convex lens, a sharp bright spot is observed. ये spot is observed at its focus. What does this spot indicate? तो जब भी रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएंगी, इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट कहाँ बनेगी? फोकस पे। तो ये सन जो रखा हुआ है ना बहुत दूर, उसकी इमेज बनती है यहाँ पे। तो दिस इज द इमेज, द रियल इमेज ऑफ सन, क्योंकि हमें ये स्क्रीन पे मिल रही है, इसके अंदर तो दिखाई नहीं दे रही है ना, ये हमें एक्चुअल में यहाँ स्क्रीन रखे तो आपको दिखाई देगी ये इमेज। तो दिस इज रियल इमेज ऑफ सन, फर्स्ट ऑप्शन रियल इमेज ऑफ सन। फोर्थ इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड द सर्फेस ऑफ द मिरर। The angle of incidence is the angle between. तो कोई भी आपके पास अगर reflecting surface है, इस point पे अगर ray incident होती है, ये normal है, तो this is the incident ray, तो इसको हम बोलते हैं incident angle. So the angle of incidence is the angle between normal and incident ray. The normal to the surface and the incident ray. Option C is correct. Question number 5. The angle of reflection is the angle between normal and reflected ray. Reflected ray ये है, normal and reflected ray. तो कौन सा ऑप्शन आएगा? डी, द नॉर्मल टू द सरफेस एंड द रिफ्लेक्टेड रे। सिक्स्थ क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ये है फोकस, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर, 2F या फिर C, क्लियर है? तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कॉनकेव मिरर, ठीक है, दिस इज अ कॉनकेव मिरर। द डिस्टेंस बिटवीन इट्स इमेज, मैंने आपको बताया है कि जब हम लोग यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखेंगे इमेज यहीं पे बनेगी, बट कैसी बनेगी? इन्वर्टेड। तो ऑब्जेक्ट ये है तो इमेज यहीं पे बनेगी। सो इमेज डिस्टेंस, ये इमेज और ऑब्जेक्ट, इमेज जहां है वही ऑब्जेक्ट है। इमेज ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या है पोल से? 2F। इमेज का भी डिस्टेंस क्या होगा पोल से? 2F। सो क्वेश्चन इज द डिस्टेंस बिटवीन इट्स इमेज एंड द पोल, कितना डिस्टेंस होगा? ये है इमेज, इमेज और पोल के बीच में डिस्टेंस कितना है? 2F के बराबर, ठीक है? आंसर विल बी इक्वल टू 2F। क्वेश्चन नंबर 7, एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 2 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कॉनकेव मिरर, ठीक है?
द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर इक्वल्स द रेडियस ऑफ कर्वेचर, द साइज ऑफ द इमेज विल बी. अब जैसे अभी यहां पे हमने क्या देखा, इसी केस में ये क्वेश्चन सेवेंथ जो है वो इसी की तरह है. कॉनकेव मिरर से कितने डिस्टेंस पे रखा है हमने एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 2 सेंटीमीटर. 2 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट है और इसको हमने प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर रखा है. द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर इज इक्वल टू आर, आर के बराबर है. मतलब कहां रखा है ऑब्जेक्ट, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे. जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा है तो इमेज कैसी बनती है, इनवर्टेड. सेम साइज व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉनकेव मिरर, उस केस में क्या होता है कि इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनेगी, इनवर्टेड बनेगी और सेम साइज की बनेगी, है ना. तो यहां पे क्या होगा, ये 2 सेंटीमीटर, तो ये भी 2 सेंटीमीटर की बनेगी. सो द साइज ऑफ द इमेज विल बी 2 सेंटीमीटर सेम एज द ऑब्जेक्ट. ये भी आपको बताया गया है. क्वेश्चन नंबर 8, द मैग्निफिकेशन एम ऑफ एन इमेज फॉर्म्ड बाय स्फेरिकल मिरर इज नेगेटिव. इट मींस द इमेज इज, क्या बोला है, मैग्निफिकेशन. मैंने आपको बताया था कि मैग्निफिकेशन से आप सब कुछ फाइंड आउट कर सकते हो अबाउट ऑब्जेक्ट एंड इमेज. तो मैग्निफिकेशन हमें क्या गिवन है, द मैग्निफिकेशन एम ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म बाय स्फेरिकल मिरर इज नेगेटिव. ये क्या आता है, माइनस वी बाई यू. ये तो हमेशा कैसा होगा, दिस विल बी ऑलवेज नेगेटिव फॉर अ रियल ऑब्जेक्ट. और हम 9th में 10th में रियल ऑब्जेक्ट की ही बात करेंगे, ऑलवेज नेगेटिव. अब हमें क्या बोल रहा है कि मैग्निफिकेशन इज नेगेटिव, दिस इज नेगेटिव. इसका मतलब ये क्या होगा, ये पॉजिटिव रहा होगा, है ना. नहीं, ये नेगेटिव रहा होगा, ये खुद नेगेटिव है, इसके नेगेटिव ने इस नेगेटिव को कैंसिल कर दिया. और उसके बाद भी अगर नेगेटिव आंसर आ रहा है, इसका मतलब वी मस्ट बी नेगेटिव. ठीक है, वी नेगेटिव का मतलब क्या हुआ कि मिरर अगर इधर है, इधर जाएंगे तो पॉजिटिव और इधर जाएंगे तो नेगेटिव. इसका मतलब कहां बनेगी इमेज, इमेज इधर कहीं बनेगी. ठीक है, तो इमेज हमें एक्चुअल में स्क्रीन पे मिलेगी. अगर इधर इमेज बनती तो हमें मिरर के अंदर मिलती. तो इस केस में क्या होगा कि क्वेश्चन नंबर 8, द मैग्निफिकेशन, इट मींस द इमेज इज लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, इरेक्ट, इनवर्टेड. अच्छा, हमें उतना कुछ करने की जरूरत भी नहीं थी यहां पे. तो मैग्निफिकेशन इज डायरेक्टली एच डैश बाई एच, मैग्निफिकेशन इज डायरेक्टली एच डैश बाई एच. और ये कितना गिवन है, नेगेटिव गिवन है. इसका मतलब अगर ऑब्जेक्ट ऐसा था तो इमेज कैसी बन रही है, नीचे बन रही है. ठीक है, एम नेगेटिव का मतलब क्या हुआ कि इमेज इज ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ ऑब्जेक्ट. जिस साइड ऑब्जेक्ट है उसके ऑपोजिट साइड इमेज है, तभी कैसा होगा, ऊपर एक ऊपर है एक नीचे है, तभी तो नेगेटिव आएगा ना. इसका मतलब कि अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव, मैग्निफिकेशन अगर नेगेटिव है, इसका मतलब इमेज कैसी बनेगी, इमेज विल बी इनवर्टेड. सो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या आ जाएगा, डी. नाउ क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, अ पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर, द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू इज. तो अब ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, यू तो हमेशा नेगेटिव होता है. हमने अभी तक रियल ऑब्जेक्ट ही पढ़ा है, हम वर्चुअल ऑब्जेक्ट की बात कर ही नहीं रहे हैं. तो एक ऑब्जेक्ट जो है, अ पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर. ठीक है, द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू इज हमेशा नेगेटिव, है ना. ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा, क्योंकि वो पोल के इस साइड है, तो हमेशा कैसा आएगा, इट विल बी डेफिनेटली नेगेटिव. इसके बाद तो इसका आंसर क्या है, 9th का ए. क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, एफ इज इक्वल टू आर बाई टू, एफ इज इक्वल टू आर बाई टू इज वैलिड फॉर, किस किस के लिए वैलिड है. चार ऑप्शन है हमारे पास. नाइन्थ में क्या बोला मैंने कि ये आपके पास एक स्फेरिकल मिरर है, वो ये ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है. ठीक है, ऑब्जेक्ट हमेशा हम इधर रखेंगे, पॉइंट ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस पे रखा तो लाइट रेज ऐसे जा रही है और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ये है, तो हमेशा कैसा होगा, नेगेटिव. लाइट रेज ऐसे जा रही है और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ये है, तो कैसा होगा, नेगेटिव. क्वेश्चन नंबर 10, F इज इक्वल टू आर बाई टू इज वैलिड फॉर कॉन्वेक्स मिरर बट नॉट कॉनकेव मिरर, फॉर कॉनकेव मिरर बट नॉट कॉन्वेक्स मिरर, फॉर बोथ द मिरर्स एंड फॉर नन ऑफ द मिरर्स. तो दोनों के लिए होता है, दोनों के लिए F इज इक्वल टू आर बाई टू दोनों के लिए होता है, दोनों मिरर के लिए, कॉन्वेक्स हो या कॉनकेव हो, F इज इक्वल टू आर बाई टू इज वैलिड फॉर ऑल. इसमें से कोई भी क्वेश्चन ऐसे नहीं है जो मैंने आपको लेक्चर्स में नहीं बताए, सारे क्वेश्चन के आंसर आपको लेक्चर्स में मिल जाएंगे. अगर आपने प्रॉपरली लेक्चर्स देखा है तो आप ईच एंड एवरी क्वेश्चन यू कैन आंसर.
क्वेश्चन नंबर 11, अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ कॉनकेव मिरर, ठीक है, इस पे रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हुई. इफ इट इज पैरल टू द प्रिंसिपल एक्सिस द रिफ्लेक्टेड रे विल, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरल है तो फोकस से पास होगी, वेरी सिंपल, फोकस से पास होगी. ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, क्वेश्चन नंबर 11 था ना, पास थ्रू द फोकस, फर्स्ट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 12, इफ एन इंसिडेंट रे पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से आती है तो उसी के अलावा वापस चली जाती है. तो इफ एन इंसिडेंट रे पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर द रिफ्लेक्टेड रे विल रिट्रेस इट्स पाथ, मतलब जैसे आई है उसी पाथ पे वापस चली जाएगी. ऑप्शन कौन सा क्वेश्चन था, 12 का सी इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 13, टू गेट एन इमेज लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, अगर आपको इमेज जो है वो लार्जर देन द ऑब्जेक्ट चाहिए तो उसके लिए वन कैन यूज अ कॉन्वेक्स मिरर बट नॉट अ कॉनकेव मिरर, अ कॉनकेव मिरर बट नॉट अ कॉन्वेक्स मिरर, आइदर अ कॉन्वेक्स मिरर और अ कॉनकेव मिरर, अ प्लेन मिरर, प्लेन मिरर में जितना बड़ा ऑब्जेक्ट उतनी बड़ी इमेज, और मैंने आपको बताया था कॉन्वेक्स मिरर में, हमेशा स्मॉलर वर्चुअल इरेक्ट, हमेशा आप यहां से यहां लेके जाओ ऑब्जेक्ट को, हमेशा इमेज स्मॉलर वर्चुअल इरेक्ट बनेगी. अगर आपको लार्जर इमेज चाहिए तो आप सिर्फ कॉनकेव मिरर ही यूज कर सकते हैं, यह भी मैंने आपको बताया है, लार्जर इमेज अगर आपको चाहिए तो आप सिर्फ कॉनकेव मिरर यूज कर सकते हैं. सो आंसर क्या होगा, बी, अ कॉनकेव मिरर बट नॉट अ कॉन्वेक्स मिरर. क्वेश्चन नंबर 14, अ रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग इन एयर फॉल्स ऑब्लिकली ऑन द सर्फेस ऑफ काम पॉन्ड, ठीक है, मतलब जो शांत तालाब है उसके सरफेस पे एक रे ऑफ लाइट गिरी किसी एंगल पे, इट विल डेविएट टूवर्ड्स नॉर्मल, सॉरी, इट विल गो इन टू द वॉटर विदाउट डेविएटिंग फ्रॉम इट्स पाथ, अगर ये वॉटर सर्फेस है ना, ये वॉटर सर्फेस है, यहाँ पे लाइट अगर ऐसे गिरी तो क्या बोल रहा है, पहला, गो इन टू द वॉटर विदाउट डेविएटिंग, ऐसे चली जाएगी, नो, यहाँ पे रिफ्रैक्शन होगा, फिर डेविएट अवे फ्रॉम नॉर्मल, तो मीडियम ये क्या है, डेंस, रेयरर, और ये डेंसर, तो रेयरर से डेंसर में जा रही है तो टूवर्ड्स नॉर्मल जाएगी ना, अवे फ्रॉम नॉर्मल नहीं जाएगी, टूवर्ड्स नॉर्मल, तो क्या होगा, डेविएट टूवर्ड्स नॉर्मल, थर्ड ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 15, अ रे ऑफ लाइट गोज फ्रॉम अ मीडियम ऑफ रिफ्रेक्टिव इंडेक्स म्यू वन टू रिफ्रेक्टिव इंडेक्स म्यू टू, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज आई एंड द एंगल ऑफ रिफ्रेक्शन इज आर, देन साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू, अगर म्यू वन से म्यू टू में जा रही है तो यहां पे क्या होगा, लेट्स से दिस इज आई एंड दिस इज आर, कुछ भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, तो हम क्या लिखते हैं, म्यू वन साइन आई इज इक्वल टू म्यू टू साइन आर, ठीक है, म्यू वन साइन आई इज इक्वल टू म्यू टू साइन आर, तो हमें क्या निकालना है, साइन आई बाई साइन आर कितना आ जाएगा, साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू म्यू टू बाई म्यू वन, म्यू टू बाई म्यू वन, डी ऑप्शन इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 16, अ थिन लेंस एंड अ स्फेरिकल मिरर हैव फोकल लेंथ ऑफ 15 सेंटीमीटर ईच, अ थिन लेंस ऑफ स्फेरिकल मिरर, थिन लेंस एंड स्फेरिकल मिरर, आपके पास एक थिन लेंस है और स्फेरिकल मिरर है, दोनों की फोकल लेंथ कितनी गिवन है, प्लस 15 सेंटीमीटर, दोनों की लेंथ है, फोकल लेंथ प्लस 15 सेंटीमीटर, तो उनके बारे में हमको बताना है कि कॉन्वेक्स है, कॉनकेव है, क्या है, तो प्लस 15 सेंटीमीटर मतलब कि फोकस इस तरफ है, तो किसका फोकस इस तरफ होता है, किसका होता है, कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स मिरर का और कॉन्वेक्स लेंस का, कॉन्वेक्स लेंस, मैंने ये भी सब कुछ आपको पहले से पता है, कॉन्वेक्स मिरर एंड कॉन्वेक्स लेंस दोनों के केस में जो फोकल लेंथ होती है इट इज पॉजिटिव, फोकल लेंथ होती है पॉजिटिव दोनों केस में, यहां पे देखो इस केस में फोकल लेंथ ये क्या है, कॉनकेव मिरर, इसकी फोकल लेंथ कैसी है, नेगेटिव, क्लियर, तो यहाँ पे प्लस 15 सेंटीमीटर फोकल लेंथ गिवन है, इसका मतलब दोनों के दोनों कैसे हैं, कॉन्वेक्स नेचर के हैं. क्वेश्चन नंबर 16, बोथ आर कॉन्वेक्स. क्वेश्चन नंबर 17, अ कॉन्वेक्स लेंस फर्स्ट इज थिकर एट द मिडल देन एट द एजेस, कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस कैसा होता है, दिस इज सॉरी कॉन्वेक्स लेंस इज नॉट दिस, दिस इज कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस इज दिस, थिकर एट मिडल एंड थिन एट द एंड्स, तो क्या है, इज थिकर एट द मिडल एंड देन एट द एजेस, तो यहां जितना मोटा है उससे ज्यादा मोटा यहां होता है, तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट इन क्वेश्चन नंबर 17. क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है,
बहुत ही सिंपल पेपर है आपका, बहुत इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं इस पेपर को। क्वेश्चन नंबर 18 में है, आपको डायग्राम गिवन है एक, जिसमें दो तीन मीडियम है और दो तीन मीडियम से लाइट जो है वो ट्रेवल करके जा रही है, कुछ ना कुछ बेंडिंग हो रही है कहीं कहीं पे, तो हमें शायद यहाँ पे हाँ रिफ्रेक्टिव इंडेक्स को रिलेट करना है। सो देयर आर फोर, 1, 2, 3, दिस इज म्यू वन अंदर का, म्यू टू, म्यू थ्री एंड म्यू फोर। देयर आर फोर मीडियम्स, अ रे ऑफ लाइट पासिस थ्रू फोर ट्रांसपेरेंट मीडियम विद रिफ्रेक्टिव इंडेक्स म्यू वन टू थ्री फोर एज शोन इन द फिगर, द सर्फेस ऑफ ऑल मीडिया आर पैरेलल, इफ द इमर्जेंट रे सी डी इज पैरेलल टू द इंसिडेंट रे ए बी देन वी मस्ट हैव। तो लाइट क्या हुआ जो, हाँ यहां से दिस इज म्यू वन दिस इज म्यू फोर, तो यहां से लाइट इंसिडेंट हुई ए बी, ए बी लाइट यहां से इंसिडेंट हुई, ठीक है, और उसके बाद फिर यहां पे इट इज बेंडिंग टूवर्ड्स नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई है, ठीक है। उसके बाद फिर इसके बाद क्या दिया है, अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड हो गई है, और यहां पे फिर अगेन देयर इज सम बेंडिंग। तो ये है लाइट सी डी, मतलब रे सी डी, और ये है ए बी। अब हमें ये बोला है कि अगर जो सी डी लाइट आती है, ये जो रे निकल के आ रही है, इमर्ज होके आ रही है, अगर वो पैरेलल टू ए बी है, इसको अगर आप एक्सटेंड करो और तो ये दोनों लाइट अगर पैरेलल है, तो उसके लिए क्या कंडीशन होना चाहिए। तो मैंने आपको ऐसा एक क्वेश्चन कराया था जिसमें यहां पे हमने एंगल्स को रिलेट किया था, फिर यहां पे हमने एंगल्स को रिलेट किया था, फिर यहां पे हमने एंगल्स को रिलेट किया था, और अगर ये लाइट इसके पैरेलल बाहर निकल रही है, इसका मतलब ये मीडियम और ये मीडियम कैसा होना चाहिए, ऑफ सेम रिफ्रेक्टिव इंडेक्स। आप फिर से जाकर के उस एग्जांपल को देखेंगे, ये रिफ्रेक्टिव इंडेक्स एंड ये रिफ्रेक्टिव इंडेक्स शुड बी सेम, और अगर नहीं तो आप यहाँ पे एंगल्स को इक्वेट करो, ठीक है, मतलब यहाँ पे आप स्नेल्स लॉ लगाओ, और इस अगर इस रे और इस रे को पैरेलल होना है तो आपको यहाँ पे एंगल इक्वेट करने पड़ेंगे। ये रे और ये रे अगर पैरेलल है, पैरेलल है मतलब क्या हुआ कि ये जो एंगल है, दिस एंगल एंड दिस एंगल आर सेम, और ये एंगल कौन सा है, ये एंगल है ये वाला, ठीक है ना, तो ये वाला एंगल एंड ये वाला एंगल शुड बी सेम, इसका मतलब, और ये एंगल कौन सा है, यही है, तो दिस एंगल, लेट्स से दिस इज थीटा वन एंड दिस इज थीटा टू, तो दिस शुड बी सेम। आपको यहाँ पे रिफ्रेक्टिव इंडेक्स स्नेल्स लॉ लगा करके करना है, बट ये मैंने ऑलरेडी आपको कराया है इन दी लेक्चर्स, तो आपको वहां जाकर के इसका सॉल्यूशन देखना है। सिंपली अगर ये रे दोनों पैरेलल है तो इस मीडियम को सेम होना पड़ेगा। जैसे हमने क्या लिया था, यहाँ पे भी एयर, यहाँ पे भी एयर, बीच में हमने ग्लासेस लिए थे और कुछ मटेरियल लिया था डिफरेंट रिफ्रेक्टिव इंडेक्स का। सो आंसर विल बी म्यू वन इज इक्वल टू म्यू फोर, म्यू वन इज इक्वल टू म्यू फोर। सो क्वेश्चन नंबर 19, अ पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कॉनकेव मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 6 सेंटीमीटर, देन डिस्टेंस ऑफ इमेज फॉर्म्ड विल बी एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द पोल, द डिस्टेंस ऑफ इमेज विल बी एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम पोल। अगेन आपको क्या गिवन है कि एक आपके पास कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर के सेंटर पे जो कि रेडियस 6 सेंटीमीटर का है, यहाँ पे एक पॉइंट ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो इमेज कहाँ पे बनेगी, इमेज का डिस्टेंस कितना होगा, तो अगर ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है तो इमेज भी यही बनेगी, व्हाट विल बी द इमेज डिस्टेंस, इट विल बी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, सो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग लेंस कैन फॉर्म इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन स्क्रीन, ऑन स्क्रीन बन रही इमेज मतलब रियल बनेगी। मैंने आपको क्या कहा है, कौन कौन से लेंस, ठीक है, तो अगर हम मिरर की बात करें तो रियल इमेज कौन सा मिरर बना सकता है, कॉनकेव मिरर रियल इमेज बना सकता है, एंड कॉन्वेक्स लेंस रियल इमेज बना सकता है। आप पूरा जाकर के देख सकते हैं, आपके लेक्चर्स में सब कुछ है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग लेंस कैन फॉर्म इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन स्क्रीन, तो लेंस की अगर हम बात करें तो कौन सा लेंस होगा, कॉन्वेक्स लेंस होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21, टू ऑब्टेन अ डिमिनिश्ड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, डिमिनिश मतलब छोटी, फॉर्म्ड बाय अ कॉन्वेक्स लेंस, वेयर शुड द ऑब्जेक्ट मस्ट बी प्लेस्ड, टू ऑब्टेन अ डिमिनिश्ड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स लेंस, वेयर शुड द ऑब्जेक्ट मस्ट बी प्लेस्ड। तो हमें पता है अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो उसकी इमेज फोकस पे बनती है और बहुत ही छोटी बनती है, ठीक है। उसके बाद जब ये हो गया 2f और ये हो गया f, जब हम इन्फिनिटी से ऑब्जेक्ट को यहां तक लाते हैं
तो इमेज का जो साइज होता है वो ऑब्जेक्ट से छोटा ही होता है, फिर जब हम यहां से यहां लेके जाते हैं ऑब्जेक्ट को, तब इमेज का साइज बढ़ने लगता है। इसका मतलब इन्फिनिट एस से 2f के बीच आप कहीं भी ऑब्जेक्ट को रखो, आपको इमेज कैसे मिलेगी? स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। आंसर क्या होगा? बिटवीन इन्फिनिटी एंड 2f। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 22। इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन इन्फिनिटी एंड 2f ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस, देन इमेज विल फॉर्म। तो जब हम लोग ऑब्जेक्ट को यहां से यहां मूव कराते हैं तो इमेज यहां से यहां मूव होती है, सॉरी लेंस के केस में ये है f, ये है 2f। तो अगर हम ऑब्जेक्ट को यहां से यहां मूव कराते हैं, मतलब इन्फिनिटी से 2f, तो इमेज मूव्स फ्रॉम दिस टू दिस, ठीक है, f टू 2f। कहां से? बिटवीन। तो इमेज कहां बनेगी? जब आप ऑब्जेक्ट यहां से यहां कहीं भी रखोगे तो इमेज विल फॉर्म बिटवीन f एंड 2f। आंसर विल बी सेकेंड, बिटवीन f एंड 2f। क्वेश्चन नंबर 23 में हमें क्या बोला है कि द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। इफ द रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ अ ट्रांसपेरेंट लिक्विड इज 4/3, देन द स्पीड ऑफ लाइट इन दिस लिक्विड इज। तो हमने पढ़ा है कि म्यू इज इक्वल टू क्या होता है? म्यू इज इक्वल टू होता है सी डिवाइडेड बाई वी। सी इज द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, वी इज द स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम। तो कितना आ जाएगा? 3×10⁸ डिवाइडेड बाई वी इज इक्वल टू कितना गिवन है? 4/3। इससे क्या आएगा? वी इज इक्वल टू 9/4×10⁸। सो वी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 2.25×10⁸ मीटर पर सेकेंड। आंसर विल बी ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या गिवन है कि द रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ वॉटर एंड ग्लास, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ वॉटर इज इक्वल टू 4/3 एंड रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज इक्वल टू 3/2। देन द रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ वॉटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ वॉटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास कैसे लिखते थे? रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ वॉटर बाय रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। तो कितना आ जाएगा? 4/3 डिवाइडेड बाय 3/2। तो ये 2 ऊपर जाएगा और ये 3 नीचे आएगा, तो 4×2/3×3 कितना बन गया? 8/9। तो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ वॉटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास इज 8/9। क्लियर? ऑप्शन ए इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड टू फॉर्म अ वर्चुअल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट? कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्केव लेंस, कॉन्केव मिरर। तो अगर आपको वर्चुअल इमेज बनाना है तो कॉन्वेक्स लेंस में वर्चुअल भी बनती है, रियल भी बनती है। कॉन्वेक्स लेंस में अगर आप यहां से ऑब्जेक्ट को यहां पे मूव कराते हो तो रियल इमेज बनती है, फिर यहां से जब यहां मूव कराते हो तो वर्चुअल बनती है। कॉन्केव लेंस, कॉन्केव लेंस में तो वर्चुअल ही बनती है। कॉन्केव मिरर में भी सेम चीज, अगर यहां से यहां मूव कराओगे तो रियल बनेगी, यहां से यहां मूव कराओगे तो वर्चुअल बनेगी। इसका मतलब इन ऑल द थ्री केसेस वी कैन मेक द वर्चुअल इमेजेस। तो आंसर होगा डी, जिसमें क्या है? 1, 2 and 3, मतलब तीनों से मिला करके हम बना सकते हैं। सो दिस पेपर वॉज वेरी वेरी इजी। आपका क्यूमुलेटिव टेस्ट होगा वो भी इजी होगा। अगर आपने लेक्चर्स अच्छे से देखे हैं ये पूरा आपसे बनेगा, और अगर आपने लेक्चर्स अच्छे से नहीं देखे हैं तो इसमें से आपको कुछ नहीं बनेगा, ठीक है? एक दो क्वेश्चन बन जाएंगे या 4-5 क्वेश्चन बनेंगे। तो वॉच दी लेक्चर्स प्रॉपरली, तो आपको बिल्कुल सारी चीजें बनेंगी। सो डू इट वेल। आई होप आपने देखा होगा और अच्छे आपके नंबर भी आए होंगे। सो दिस इज इट अबाउट दी टेस्ट पेपर। थैंक यू।